तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। और आज हम लोग को एक सीड मिली है कोस्टला विलेज। इस विलेज के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट। और ये विलेज आसपास ओ रहा सामने, वो देखिए कितना बड़ा घर दिख रहा है। पक्का लाइब्रेरियन का होगा, क्योंकि ऐसा घर लाइब्रेरियन का ही होता है। चलिए चलते हैं आगे, फिर रास्ते में खाने पीने की कमी ना पड़े, तो इसलिए चिकन मार के चलते हैं। अरे आ जा इधर को, आ जा मुगड़ी। ए ए चलो, एक चिकन लेग पीस मिल गया है। और हमारी अब चिकन लेग पीस कम ना हो तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। इसको भी चटका देते हैं छत पर, अंदर तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले लाइब्रेरियन घर के अंदर देखते हैं, बहुत बड़ा विलेज है पर ये, पर सबसे पहले लाइब्रेरियन घर के अंदर देखते हैं कुछ काम का मिल जाए। सबका सब बेकार सामान ही, और कुछ है ही नहीं। लो भाई, रूफ़ तो ऐसे ही बना दी, इतना बड़ा घर कुछ है ही नहीं। सॉरी, हाफ डैमेज पड़ गया। बेड तोड़ लेते हैं, क्या पता आगे जाके काम में आ जाए। ये ब्रेड बेड की ग्रेविटी इतनी कैसे होगी। ये चलिए और आगे काव को मार के देखते हैं। ये काव तो लगता है यहाँ पे, लगता है वो न्यूटन नहीं आया था सेब की खोज करने, इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे तो कोई भी हवा में उड़ जा रहा है। गौलम को भी चटकाएंगे, पर अभी सामान नहीं है वरना हम खुद चटक जाएंगे। वो मिल गया, इस वाले घर के अंदर पक्का कुछ ना कुछ होता ही है, पक्का होता ही चेस्ट, आप लोग को पता ही होगा। चलिए अंदर चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया सामान मिल ही जाए। लो भाई, 5 आयरन मिल गया, और बूट्स मिल गई, लैगिंग्स मिल गई, पिकैक्स और स्वॉर्ड और 2 ब्रेड। सैपलिंग की तो ज़रूरत ही नहीं, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे आसपास। मेरा आधा आर्मर तो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हेलमेट और चेस्ट प्लेट चाहिए। चलिए फिर खाना अपना। मेरा हंगर बार ही देखिए फुल नहीं हो रही है। हाँ देखिए, फिर कम हो गई। हाँ अब होगी फुल। एक पता नहीं ये चिकन लेग पीस को पता नहीं कौन सी बीमारी है। आसपास और ये कौन सा घर है उसके कोठे से एक और कि वही वाला है, कौन सा वाला है, ये नवा वाला कि वही वाला है। ओह अरे, दो दो यहाँ पे 10 आयरन तो ऐसे हो गए। एक और स्वॉर्ड, एक और लेगिंग्स और एक और बूट और 3 गोल्ड और 5 ऑब्जीडियन नेदर पोर्टर बनाने के लिए, मौत का दरवाज़ा बनाने के लिए। हम तो यही कहते हैं भाई। अब गौलम चटका सकते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत डर्ट ब्लॉक जमा कर लेते हैं, क्योंकि वरना वो हमको चटका देगा। चलिए अब गौलम चटकाते हैं। ये चढ़ाइए ऊपर, वाटर बकेट भी नहीं है ना अभी, पर आयरन है, आगे जाके वाटर बकेट ही बना ही लेंगे। अभी गौलम गौलम भाई साहब कहाँ हो तुम, तुमको चटकाया जाए ज़रा। ए पिगी चल भाई, थोड़ा मटन दे। ए गौलम इधर देख, ए ए अरे अरे अरे, पीछे 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 भाग ना, अरे जल्दी हट हट। ए मारना मत, ए टच मत कर देना तो। ओए अरे बाप रे, जल्दी हट यार, लगता है ये तो मार ही जा रहा है। तो ये सुअर था गौलम है जो, अब मार दिया ना तेरे को तो मैं मार दूंगा, तेरे को तो मैं मार दूंगा गौलम, अगर तूने अब मेरे को मार दिया तो। आ जा, आ आ, एक और फटका, एक और फटका, इसको तो चटका के मारूंगा आज। आ जा ले ले पंगे। ये मरते नहीं है इतनी जल्दी, जबकि मैं आयरन की स्वॉर्ड से मार रहा हूँ। लोहे को लोहा ही काटता है फिर भी नहीं मर रही है। कितने आयरन दिए इसने, सिर्फ 3 आयरन। लो भाई, 5 तो दे देता कम से कम यार, आयरन की अभी कमी है मेरे पास, खाने की भी कमी है अभी। तो चलो खाना भी लूट ही लेते हैं, इस विलेज में आए हैं तो जल्दी जल्दी सारा सारा बीट तोड़ते हैं और निकलते हैं अपने अगले प्लान की तरफ। अगला प्लान हमारा यही है कि हम लोग घर बनाएंगे, घर को पूरा सही से कर देंगे, बस यही है। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन घंटा ज़रूर दबाइएगा। गेट बंद करते हैं, आगे को निकलते हैं। अब वुड की भी बहुत ज़्यादा कमी है, ए आराम से मेरे को डैमेज ना पड़े ना, बहुत कम हार्ट्स है और खाना भी नहीं है इसके लिए। अब इसको ले भाई, नूबड़ा ही हूँ मैं, जबकि मैं लैगिंग से मैं अपना पेट काट रहा हूँ। तोड़ लो भाई, तोड़ लो जितना तोड़ सकते हो, क्योंकि वुड की अभी आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी घर बनाने में, अपना क्राफ्टिंग टेबल ये सब बनाने के अंदर। और हमारे सेकंड पार्ट के अंदर मेरी एक सिस्टर भी आएगी, जिसका नाम प्रज्ञा है, वो भी आएगी हमारे साथ। हमारा
वर्ल्ड में वो भी अपना घर बनाएगी, और उसको तो हम उसके अंदर बताएंगे, प्लान बना के उसके साथ एक प्रैंक करेंगे। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे लगा दिया है, और भी सामान चीज, ये शील्ड भी होगी, शील्ड भी ज़रूरत पड़ेगी, और वाटर बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक चेस्ट प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। चलो भाई, सामान तो हो गया हमारा आयरन का, बस हेलमेट की एक कमी है। आयरन आर्मर तो पूरा कंप्लीट है हमारा एक तरीके का, चेस्ट प्लेट भी पा लेते हैं। देखिए सिर्फ हेलमेट की कमी है, और कहाँ चाहिए हमको, हेलमेट की तो कमी है सिर्फ। क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते हैं हाथ से अभी, और निकलते हैं आगे चटकाने लोगों को। इससे सबसे पहले वीट बनाते हैं, और फूड की भी कमी है, हमारे हार्ट सिर्फ 5 हार्ट्स हैं हमारे पास अभी। सर टाइम ही बहुत जल्दी लगाता है, देख लीजिए कितना सारा वुड बन जाएगा हमारा से। वुड सॉरी वीट, ए वीट नहीं, ब्रेड, ब्रेड हमारे इससे बहुत ज़्यादा ब्रेड बन जाएंगे। ब्रेड बनने में जब तक टाइम लगता है तब तक आप मजा लीजिए। 51 ब्रेड्स बने, मतलब सिर्फ इतने कम वीट से 51 ब्रेड, बहुत बढ़िया सीन है। एक तो हंगर बाहर को बहुत बीमारी चढ़ी हुई है, खाओ तब भी नहीं फुल हो रहा है। वो तोड़ लिया क्राफ्टिंग टेबल, और निकलते हैं आगे के साइड को, लेट्स गो फैम। और आपने इस बार बिग बॉस में किसको वोट दिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो फुकरा इंसान को दिया था, जीत नहीं पाया, कुछ नहीं होता। इल्वेश यादव भी हमारे ही भाई हैं, वो भी तो जीत गए, कोई टेंशन नहीं है। पिकैक्स से पहले इसी घर का स्टोन तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एक्स भी नहीं है, शवल भी नहीं है, हो भी नहीं है, कि हम लोग को आगे भी काम है। देखिए तोड़ा, फिर भी पता लग रहा है कि यहाँ से किसी ने कुछ तोड़ा है, क्योंकि मेरे को पता है इस घर के अंदर कहाँ पे रफ स्टोन्स लगे हैं, ये आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो ग्रेविटी की एक जो कमी है ना, न्यूटन यहाँ पे आया ही नहीं लगता है। जो जो तोड़े वो हवा में उड़ते उड़ते धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। मून पे है क्या माइनक्राफ्ट? 13 हो गए हैं। क्राफ्टिंग टेबल हाथ में लेते हैं, इससे एक एक्स बनाएंगे, बस एक एक्स से बहुत है हमारा, बाकी से अब अपने चूल्हा बनाएंगे। अरे फर्नेस मेरे अंग्रेजो, पिकैक्स भी अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि आगे जाके अभी जरूरत पड़ेगी। पानी की कमी है, रुकिए वहाँ चल के पानी लेके आते हैं। वो रहा पानी, अगर पानी आ जाए ना आपको ऐसे से क्लच दिखाऊंगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। हाँ क्लच आ तो आता है। अब एक तो हंगर बार को बहुत ज़्यादा बीमारी है मेरे, चिकन लेग पीस बढ़ते ही नहीं है, मैं खाना खाऊं तब भी। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरे को जरूर बताइएगा। माइनक्राफ्ट के अंदर ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है ना, वुड तोड़ लेते हैं, हमारे घर बनाने के ही काम में आएंगे। इनके घर की वुड तोड़ेंगे हम लोग, तो उधर उतना दूर कौन जाए, सामने जब इतना बढ़िया माल मिल रहा है तो इतना दूर कौन जाए। तो अब वुड तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, वुड की तो अभी कमी है ही हमारे पास, पर अभी घर कहाँ भी बनाएंगे, अभी हमको वाली जगह भी खोजनी पड़ेगी। घर भी बनाना है तो उसकी भी जगह चाहिए प्लेन। वुड जो आ रही है ना, वो देखिए कितने स्लो स्लो आ रही है, इतना स्लो आज तक कभी माइनक्राफ्ट में आती है वुड नहीं ना। तो फिर आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आज वुड स्लो स्लो आ रही है। बकरे ही दौरे पड़ते हैं माइनक्राफ्ट को भी। अरे यहाँ की नहीं, यहाँ की नहीं, बेबी ज़ॉम्बी घुस जाएगा तो हमको, मैं घुसे घुसे पर यहाँ की तोड़नी नहीं है, और वरना बड़ा ज़ॉम्बी भी घुस जाएगा। अब ढूंढते हैं जगह जहाँ पे हमारी घर बनेगा, वो जगह मिल जाए एक बार तो तब बस हो जाएगा। ओक ये रहा, यहीं पे बना दें क्या, ये वाली जगह भी बढ़िया है, यहीं पे बना देते हैं। चलिए ये तोड़ते हैं, 1 2 3 4 नीचे उतरे। ओह यार अभी भी डैमेज पड़ रहा है यार, ग्रेविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने वाटर बोट क्लच किया तब भी मेरे को डैमेज पड़ रहा है। 1 2 3 4 देखिए देखिए फिर से डैमेज पड़ेगा यार, दिखाने तो अब पड़ा नहीं, तो यही बीमारी है इसको। डेड ब्लॉक की कमी है हमारे पास, अभी शवल नहीं है, हम हाथ से तोड़ लेंगे, क्या करें साहब, गरीब आदमी हैं।
कुछ कर तो सकते नहीं। ये तीन और टोटल ले लेते हैं थोड़ी बहुत डर्ट की, आगे भी जरूरत पड़े तो यूज़ कर सकें। कितने हैं? 14 डर्ट्स हैं, बस हो जाएगा। 14 डर्ट्स में काम हमारा हो जाएगा। एक दो तीन, बस इसी लाइन के अंदर हमारा घर जाएगा। वो करते हैं यहाँ पे कितने ब्लॉक, ये 12 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे एक दो तीन चार, एक वाटर बकेट क्लच। अब डिस्टेंस एकदम सेम लेना है, नापना एकदम सेम है। एक दो तीन चार, यहाँ ये वाले ब्लॉक के ऊपर देखिए यहाँ पर एक, और शिट गलत लग गया इस साइड को। सही है, इस साइड को लगाना है एक, एक ये वाला तोड़ते हैं। दो तीन चार, अब एक और बार वाटर बकेट क्लच। यार डैमेज बाद में पड़ रहा है, वाटर बकेट क्लच पहले हो जा रहा है। ये वक्रे ही सीन हो रहे हैं यहाँ पे, माइनक्राफ्ट हमारा पूरा एकदम हैंग हो रहा है। इस साइड से गेट बनाएंगे तो ये डर्ट ब्लॉक सामने आएगा, और अभी शवल नहीं है तोड़ने के लिए, तो गेट एकदम विलेज के साइड को करते हैं अपने घर का। चलिए अभी आप मेरा घर देखिएगा, घर अच्छा लगेगा तो ज़रूर देगा हमको। तीन चार पाँच छः सात आठ, और आगे आप मज़ा लीजिए अब सॉन्ग का। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few. Look at me, took on me, shook on me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the veins, seeing the beauty through the. चलो फिर अब तो माइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सब स्टोन्स की कमी हो गई है, और अगर ज़्यादा स्टोन इनके घर में से निकाला तो इनका तो घर ही नहीं बचेगा। और हम लोग को विलेज भी प्यारा है, और अपने स्टोन के सामान भी चाहिए, तो उसके लिए अब तो माइन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये निकाल के फिर निकलते हैं बाहर, बाहर निकल के फिर अब बाकी सब देखेंगे। घर के डिज़ाइन के लिए मैं स्टोन तोड़ रहा हूँ। सामने का जो गेट है ना, उसके ऊपर जो स्टोन का लग जाएगा ना, तब थोड़ा बढ़िया लगेगा। अभी तो आसमान ही नहीं है घर बनाने के लिए। और अगर आप मेरे घर का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं मेरे को। चलिए इतना स्टोन भी बहुत है, हम निकलते हैं बाहर की साइड। यार मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या चीज़ फंस रही है, पता नहीं क्या फंस रही है। थोड़ा सा और स्टोन ले ही लेते हैं जब आए, तो अब तो माल चोरी करके तो जाएंगे जाएंगे। और मैं अभी देखता हूँ क्या फंस रहा है। ओह मिल गया कोल, मिल गया कोल, बढ़िया है। अब स्टोन, अब हमारे टॉर्च की कमी नहीं है अब लाइट अप करने के लिए, लाइट अप तो हो जाएगा आराम से। और अब तोड़ने में टाइम लगेगा। ये हैंग हो रहा है ना बीच बीच में, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है मेरा फ़ोन। ये देखिए ये ऊपर निकल रहे, ये देखिएगा अभी मैं कहाँ में लगाऊँगा। मैं जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर इतना बढ़िया लगेगा ना ये। एक दो तीन, एक दो तीन, एक यहाँ पे, और बीच में लगेगा वुड। दूर से देखा दूँ पहले कैसा लग रहा है। ये वाले घर के अंदर भी नहीं है कोई सामान, क्योंकि ना रात भी होने वाली है, तो दिमाग ख़राब हो रहा है, और वुड भी नहीं हमारे पास इस वाले घर का। अब तोड़ के थोड़ा सा वुड लेके चलते हैं, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ तब तक आप सॉन्ग का मज़ा लीजिए। My friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me breathe. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. Oh, you don't know how it feels to be. Best believe that when you need that, I'll provide. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beat on the drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama. तो गाइस इसके ऊपर वुड भी लगा दी है, हमारा घर तो अब अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पर भी और भी लगाएंगे ना, पूरा पूरा इसको चारों साइड से कवर करके, तब मिलते हैं। चलिए फिर तब तक आप सॉन्ग के मज़े लीजिए।
पीछे के साइड को एकदम अच्छे से कवर करेंगे। अब तो हमारे पास वुड की अब कमी जो होगी है ना, तो अब तो वुड भी लेके आनी पड़ेगी। इसको पीछे के साइड को एकदम वो वाली डिज़ाइन देंगे, एकदम बीच बीच में जैसे गैप होता है ना। ये देखिए यहाँ पे किया 1 2 3 यहाँ पे किया और 1 2 3 यहाँ पे किया। लो भाई वुड एकदम एग्जैक्ट ख़त्म हुई है। अब जाके और वुड लेके आते हैं। लो भाई ये बच्चे साइड हो, एक वो मैं डर गया था एकदम। वो स्पीड पकड़ता है ना जब तब निकल जाती है लोगों की स्पीड। वजह मेरी एक्सपी अभी तक 2 ही है, तो रात को चटकाएंगे अब ज़ॉम्बी भी। चलो भाई इसका भी घर चटका ही देते हैं। चलिए आप फिर से सॉन्ग का मजा लीजिए। वुड तो बहुत तोड़ ली है, अब थोड़ी बहुत और तोड़ के हम निकलते हैं जल्दी से। चलिए निकल ही जाते हैं, रात तो हो ही गई है और देर तक काम करेंगे तो अब ज़ॉम्बी हमारी हड्डी बसली एक न कर दें। जल्दी से घर पहुंचते हैं और अपना पीछे के साइड का कौन मर भे? पीछे देखो, पीछे। ये कहाँ है भाई? भाग जाए ऐसे। ये फिर वो सारी क्रीपर में हुई शॉट अभी फट जाता मेरे एकदम माइंड के सामने। नहीं नहीं फटना नहीं, फटना नहीं भाई। अबे तू बहुत चटका रहा है, रुक तेरे को बताता है। रुक ना रुक। ये यार एक वाटर बकेट ने दिमाग खराब किया है। चल भाई ये भी गया। अभी एकदम अचानक से मेरे पीछे से अटैक कर रहे हैं। हम बंदा करे तो करे क्या है ना। अरे यार ये तू कहाँ कहाँ से घुस जा रहा है। सब के सब मुझे मार लो, अभी मार लो मुझे, दिमाग ख़राब किया है। चटकाई जा रहे हो कहीं से भी आके, कहीं से ही मारी जा रहे हो। कोई रुकता ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है हमारी। इज्जत ही कर लो थोड़ी। वो हाँ वो बेड यहाँ पे लगा के सो जाता हूँ।
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।